के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई सभी केंद्र व्यवस्थापकों एवं प्राचार्यों की बैठक। सुचिता पूर्वक परीक्षा सम्पन्न कराने के दिए निर्देश। कहा, नकल माफिया और मुन्ना भाइयों पर पुलिस की है विशेष नजर। 9 मोटरसाइकिल के साथ 3 शातिर अंतर जनपदीय वाहन चोरों को जीआरपी ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक। कहा, निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति क्षम्य नहीं। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया खुशी का इजहार। कहा, केंद्र में बनाएंगे आपकी सरकार। बेलीपार पुलिस ने जालसाजों के शातिर गैंग पर कसा सिकंजा। सरगना समेत 4 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने तमंचा, कारतूस, एटीएम कार्ड, नकदी समेत 1 बाइक की बरामद। भाजपा ने समर्पण दिवस के रूप में मनाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पुण्यतिथि। दी गई श्रद्धांजलि, उनके आदर्शों पर चलने का लिया गया संकल्प। जिलाधिकारी व एसएसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई शांति व्यवस्था एवं अभियोजन समिति की बैठक। लंबित मुकदमों के निस्तारण के दिए निर्देश। युग पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रशासनिक भवन परिसर स्थित उनकी प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। बैठक कर उनके जीवन पर डाला गया प्रकाश। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने पुलिस लाइन परिसर में यूपी पुलिस डायल 112 के प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को किया ब्रीफ, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राजस्व प्रशासन और कर करित्तर की मासिक समीक्षा बैठक। राजस्व वसूली बढ़ाए जाने के दिए निर्देश। बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों और उप निरीक्षकों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कहा, गोरखपुर पुलिस का मानवीय रूप आए बाहर, इसके लिए है यह प्रयास। यूपी बोर्ड परीक्षा की सुचिता पर रहेगी सीसीटीवी कैमरे की नजर। एक कमरे में बैठकर देख सकेंगे परीक्षा व्यवस्था। डीएम और एसएसपी ने लिया कंट्रोल रूम का जायजा। गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा युग पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर वर्तमान समय में दीनदयाल जी के विचारों का प्रासंगिकता विषय पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। और 13 फरवरी को आएंगे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, करेंगे मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित। किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष ने दी जानकारी। कहा, भव्य होगा स्वागत।